हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में चेन ड्राइव और बेल ड्राइव के बीच में आपको जानकारी देने वाले हैं क्या अंतर आपको देखने को मिल जाता है, कौन सा ड्रिवन ज़्यादा अच्छी होती है, बेल ड्राइव ज़्यादा अच्छा होता है कि चेन ड्राइव ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आजकल के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप देखते होंगे ज़्यादातर बेल ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर वो क्यों यूज़ किया जाता है, और बाइक्स में ज़्यादातर आपको चेन ड्राइव देखने को मिल जाती है। तो कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर में दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा फायदे हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो आइए आपको सारी जानकारी देते हैं, हो सकता है कि आप भी जानकारी ये चाहते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फायदे नुकसान है। तो इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, टॉपिक थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं चेन ड्राइव की। चेन ड्राइव आप काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, नॉर्मली सभी बाइक्स में यही यूज होता है। और ये कैसे यूज होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। आपको पता ही होगा कि रियर व्हील में एक गियर्स लगा होता है और एक ड्रिवन स्पॉकेट होता है, उससे ये कनेक्टेड होता है। और ये स्पॉकेट की वजह से जब व्हील मूव होती है तो ये चेन की वजह से ये मूव होती है। तो जितना ही मोटर पावर होती है उतनी तेजी से ये व्हील यानी कि जो गियर है चेन की वजह से ये घूमती है। ये काफ़ी सिंपल भी होता है, आप काफ़ी लंबे समय से इसको देखते आ रहे हैं और अपने बाइक्स में अपने स्कूटर्स में आप देखते ही होंगे। तो ज़्यादातर लोग चेन ड्राइव क्यों यूज़ करते हैं, इसके फायदे के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो चेन ड्राइव होता है वो काफ़ी चीप होता है, चीप यानी कि ये थोड़ी सी सस्ती होती है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी सस्ती होती है और इजीली इसको मैन्युफैक्चर भी कर लिया जाता है। और सबसे जो मेन बात है ये थोड़ी सी सेफ होती है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो चेन ड्राइव होती है ये एक गियर पर काम करती है और जो इसके स्पॉकेट होते हैं वो गियर से होकर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी सेफ होती है, ये ग्रिप बना के रखती है, स्लिप होने का ज़्यादा डर नहीं होता है और ये ज़्यादा दिन चलती भी है। इसके अलावा ये इजी टू रिप्लेस होती है, यानी कि आसानी से इसको चेंज किया जा सकता है। आप नॉर्मली किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे वो इसको चेंज भी कर सकता है, और इसकी चेंज जब ढीली हो जाती है तो इसको आसानी से निकाल के रिप्लेस भी किया जा सकता है, एक एक पॉइंट को इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। सबसे पहली जो बात है कि जो चेन ड्राइव होती है आप देखते होंगे इसमें टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, इसमें ऑयल डालनी पड़ती है, तो ये थोड़ी सी मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये टाइम टू टाइम लूज़ भी हो जाती है, तो बार बार इसको टाइट भी कराना पड़ता है, तो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ज़रूर होती है। इसके अलावा चेन ड्राइव का एक और भी नुकसान होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो इसका रियर व्हील पे जो कनेक्टेड होता है गियर के साथ वो कभी कभी लुब्रिकेशन नहीं होता है चेन में, तो वो टाइट भी हो जाती है, लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी डर भी रहता है। तो चेन ड्राइव में ये थोड़े से आपको नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये चीप बहुत होती है, सस्ती होती है अगर बेल ड्राइव से कंपेयर किया जाए, और ज़्यादा दिन चलती भी है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लुब्रिकेशन करना पड़ता है। तो ये आपको चेन ड्राइव में देखने को मिल जाती है। कैसे वर्क करती है, क्या फ़ायदे हैं, नुकसान आपने देख लिया। अब बात करते हैं बेल ड्राइव की, और बेल ड्राइव की बात करिए तो इस समय इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर जितनी आ रहे हैं वो बेल ड्राइव पे ही आ रहे हैं। चेन ड्राइव की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में केवल सिंपल वन ने जब रिवील किया था अपने स्कूटर को तो चेन ड्राइव वहाँ पे बताया था कि चेन ड्राइव में आएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन जब इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन किया स्कूटर का तो उसको भी बेल ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया। ये शायद कंपनी का अपने कुछ फ़ायदे होंगे, उन्होंने कुछ टेस्ट किए होंगे जिसके बाद उन्होंने बेल ड्राइव पर उसको कन्वर्ट कर दिया। तो बेल ड्राइव की बात करते हैं तो बेल ड्राइव जो होता है ये एक मोटर होता है और जो रियर व्हील होता है वो इससे कनेक्टेड होता है, और जितना मोटर में पावर होगा उसने ही आपको अच्छी इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है बेल ड्राइव के थ्रू। ये रबर की बनी होती है जिसके अंदर स्टील की वायर भी लगी होती है, और ये ज़्यादातर रबर की बनी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है ये। तो ये बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, बेल ड्राइव आखिर क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है ईजी टू क्लीन। ईजी टू क्लीन क्या है, इसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप चेन ड्राइव में देखते हैं कि ज़्यादा उसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ये सारी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको स्मूथ राइडिंग देखने को मिल जाएगा, नॉइज़ आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि चेन ड्राइव में थोड़ी सी आपको नॉइज़ भी सुनाई देती है चेन की, वो यहाँ पे आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो बेल ड्राइव है वो कम झटका भी देता है, चेन ड्राइव थोड़े से आपको झटके भी महसूस होते हैं। इसके अलावा ये वेट को भी रिड्यूस करती है, काफ़ी हल्की होती है चेन ड्राइव के मुकाबले में। तो ये आपको कुछ फ़ायदे बेल ड्राइव में देखने को मिल जाती है। तो वहीं इसके बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज की, यानी कि क्या इसके नुकसान भी हैं, यानी कि क्या ड्रॉबैक हैं, क्योंकि जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी थोड़े बहुत होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, इसको बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा पावर आपकी बाइक की थोड़ी सी, या फिर स्कूटर कह सकते हैं, उसकी लूज़ होती है। अगर बाइक की बात करें कि बेल ड्राइव किस बाइक में यूज़ होता है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे हार्ले डेविडसन के जो बाइक आते हैं
उसमें बेल ड्राइव का यूज़ किया जाता है, नहीं तो इंडियन मार्केट में दूसरी जो कंपनी है वो ज़्यादातर चेन ड्राइव पे वर्क करती हैं, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इन दिनों बेल ड्राइव का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इसका दूसरे ड्रॉबैक की अगर बात करें बेल ड्राइव की, तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है रिप्लेस करने में भी, क्योंकि अगर एक बार टूट जाती है तो इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा यूनिट ही चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा रिप्लेस करने में भी कॉस्टली ये होती है। तो चेन ड्राइव और बेल ड्राइव में यही आपको कुछ फ़ायदे और नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर आपका बजट कम है, सस्ती आप चाहते हैं, तो ऐसे में चेन ड्राइव ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन जो बेल ड्राइव होती है ये आपको लेस मेंटेनेंस के साथ थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, तो यही आपको फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा जो बेल ड्राइव है इसके एक और भी नुकसान है, ये थोड़ी सी स्लिप कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये बेल्ट पे वर्क करती है और ये चेन ड्राइव के मुकाबले में थोड़ी सी कम सेफ भी है, और कभी कभार ये भी हो सकता है कि कभी अचानक से टूट भी सकती है, तो ये चीज़ें आपको इन दोनों ड्राइव में देखने को मिल जाती है। तो अपने दोनों के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, जितने भी इनमें डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किस में आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिल जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इस वीडियो में बस आपको इतनी जानकारी देनी थी, थोड़ा सा टॉपिक मैंने अलग जरूर रखा है, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी, आपको बाइक्स के बारे में, स्कूटर्स के बारे में जो ड्राइव्स यूज होते हैं, चेन ड्राइव, बेल ड्राइव, उसके बारे में आपको और भी जानकारी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।